हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राठौगढ़ व्लॉग। सो गाइस, फिर से आ गए अपने नए व्लॉग के साथ। और गाइस, आज है संडे और आज बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज आज है मदर्स डे। यस गाइस, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे एंड आई होप आप भी अपनी मदर्स के साथ घर पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे बिकॉज आज संडे है। सो आज ऑफिस वॉफिस नो ऑफिस, ओनली मदर्स टाइम। सो गाइस, मैंने तो मम्मी को कुछ खास सरप्राइज दिया ही नहीं आज, बस विश ही किया था। तो अभी शाम हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ उनके लिए सरप्राइज किया जाए। पहले तो मैंने सोचा कि क्या मैं उनके लिए एक केक ऑर्डर कर दूं बिकॉज जोमेटो पे आज मदर्स डे स्पेशल बहुत सारे मुझे केक नज़र आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि दो महीने बाद तो उनका बर्थडे है, वैसे भी केक कटवाना ही है, एंड तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज उनको किचन से आराम दिया जाए। तो आज जो है मैंने सरप्राइज डिनर ऑर्डर करा है, तो इसी का ही एक आउटलेट मेरे घर के बहुत ही पास है विच इज़ इन सिविल लाइन्स। तो मैंने सिविल लाइन्स लोकेशन से जो है खाना ऑर्डर किया है और खाने में मैंने एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स और ब्रेड्स और साथ में एक डेजर्ट ऑर्डर किया है। वैसे भी गाइज, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मम्मी को कारीगरी रेस्टोरेंट में लेके जाऊँ एंड वहाँ का खाना टेस्ट कराऊँ, बट वो हो नहीं पा रहा ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल। तो फाइनली टुडे आई डिसाइडेड कि अगर हम कारीगरी में जाके खाना नहीं खा पा रहे हैं तो क्यों ना खाने कारीगरी के खाने को यहाँ घर तक लाया जाए। तो जब हमारे पास ऑप्शन है होम डिलीवरी का तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। सो गाइस, मैंने ऑर्डर कर दिया है खाना, जो अभी लगेंगे उसमें पूरे 50 मिनट्स जो कि टाइमिंग आ रही थी फूड डिलीवरी की। कारीगरी पे मैंने बहुत सारे व्लॉग्स ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक क्विकली बता देती हूँ कारीगरी के बारे में। सो बेसिकली कारीगरी इज अ स्टोरी टेलिंग रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन कुजीन्स एंड इट इज़ बाय शेफ हरपाल सिंह सोखी। शेफ हरपाल सर को तो आप जानते ही होंगे, ही इज़ वेरी फेमस शेफ और उन्होंने जो है इस मेन्यू में बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेज जो है ऐड की हुई हैं। और अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप प्लीज़ या तो विजिट कीजिए या फिर खाना ऑर्डर करके घर पे मंगवाइए, एक बार एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। सो कारीगरी के जो बेसिकली गाइस 8 आउटलेट्स जो है मार्केट में आ चुके हैं, दिल्ली NCR में, 2 नोएडा में है, 1 गुड़गांव में, 1 सिविल लाइन्स पंजाबी बाग फरीदाबाद, 2 आउटर सिटी हैं विच इज़ बेसिकली इन बेंगलोर एंड देहरादून, और इनका एक 9th आउटलेट आने वाला है कड़कड़डूमा में जो कि जल्द लॉन्च होने वाला है। गाइज, आई हैव ऑर्डर द फूड एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब फूड आएगा फ्रॉम कारीगरी तो मुझे मम्मी का जो है एक्सप्रेशन देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं। सो बेसिकली आज मम्मी की डिनर में किचन से टोटली छुट्टी, आज संडे है तो उनका ऑफ भी बनता है। सो फाइनली जो है फूड आने वाला है एंड आज हम कारीगरी के खाने पे भी रिव्यू करेंगे कि सिविल लाइन लोकेशन का खाना कैसा है। तो मैं आपको सारी डिशेज दिखाऊंगी टेस्ट करके भी कि टेस्ट वाइज कैसा है, स्पेशली मम्मी का रिव्यू बनता है कि उनको कैसा लगा। गाइस, मैंने एक डेजर्ट में स्वीट डिश ऑर्डर करी है जिसका नाम बड़ा ही प्यारा है और डिश का नाम है सुहागरात वाली खीर। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सो आज मैं सुहागरात वाली खीर भी ट्राई करने वाली हूँ मम्मी के साथ एंड देखते हैं कि मम्मी का कैसा रहता है एक्सपीरियंस एंड टेस्ट कैसा लगता है उनको। ऑन दिस स्पेशल डे एंड बहुत ही स्पेशल फेमस पर्सनैलिटी की तरफ से जो है मम्मी के लिए मैसेज है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाय ब्रिंदा जी, विश यू अ हैप्पी मदर्स डे। पहचाना मुझे? अरे वही मूवीज वाली, वो लोलिता, सुलोचना, मंजुलिका, वही मैं। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम, बिग फैन। ऑटोग्राफ दीजिए ना प्लीज। वो क्या है ना, हीरोइन मैं हूँ पर आप रियल लाइफ हीरो हो। क्या लाड प्यार से बड़ा किया है आपने अपने बच्चों को, मैं वारी जावा। बस आपके बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप जितना उनका ख्याल रखती है ना अपना भी रखिए ना प्लीज। पक्का प्रॉमिस? डन है? हैव एन अमेजिंग मदर्स डे, एंजॉय। सो गाइस, अभी आपने वीडियो देखा, चलो मम्मी को दिखाने का टाइम आ गया, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा है। अभी वो किचन में है। मम्मी एक मिनट आओ, कुछ दिखाना है आपको। क्या होगा? आओ तो सही। क्या दिखाना है? आओ, काम कर रही हूं। अरे आओ तो सही, बैठो। लेट हो जाऊंगी 8 बजे। अरे बैठो तो सही, एक कुछ दिखाना है आपको, बैठो। अब क्या दिखा देना है? इसको खोलो, अपने मोबाइल को खोलो, जल्दी खोलो। खोल तो दिया। और अपना स्टेटस देखो व्हाट्सएप का, और तेज तेज आवाज कर लेना। क्या वो किसी का मैसेज आ रहा है? नहीं नहीं, बस अपना स्टेटस देखो ना, खोलो ना, ये वाला स्टेटस खोलो, ये जो ये वाला लगा हुआ दूसरे नंबर वाला, ये दूसरे नंबर वाला। वही मूवीज वाली, वो लोलिता, सुलोचना, मंजुलिका,
से बड़ा किया आपने अपने बच्चों को, मैं वारी जावा। बस आपके बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप जितना उनका ख्याल रखती है ना, और ये बता मुझे तूने ये कहाँ से लाई? कल ये बताओ सरप्राइज कैसे लगा? मैंने विद्या बालन से करवाया, पता नहीं कहाँ से लगा दिया, ये क्या कर दिया? अरे सच में उन्होंने विश करा आपको? झूठी। सच में कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज तो अच्छा है, पर ये मेरा नाम लेके क्यों बोल रही है? अरे तो उन्होंने आपको विश कराया भाई ऑन मदर्स डे। रहने से तूने पता नहीं क्या? नहीं मैंने नहीं करा सच में। अच्छा। सच में हाँ। बस हाँ ये कि मेरी बड़ी सेलिब्रिटी है मैं, जो मेरा नाम लेके मुझे विश कर रही है। अरे तो मैंने विद्या बालन जी को मैसेज करा, मैंने कहा आज मदर्स डे प्लीज मेरी मम्मी को विश कर दो, तो उन्होंने ये वीडियो बना के भेज दी और ये मैंने ना आपके स्टेटस पे लगा दी। तेरी फूफी है वो, तूने सुन ली? कैसा लगा सरप्राइज ये तो बताओ। नाम सुन के मुझे बहुत हैप्पी मदर्स डे मम्मी। पर ये क्या है? अब क्या किया ये? अच्छा लगा? हाँ ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका सीक्रेट अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। थोड़ा सा वेट और कॉल और किचन, और अभी किचन में क्या कर रहे हो आप? आज डिनर मत बनाना, आ रहे हो डिनर में? नहीं आज रह दो, आज आपकी छुट्टी। क्यों आज मत बनाऊं? सुबह भी आलू के पराठे दही खिलाए आपने। बाहर जाना है क्या? नहीं बाहर कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में, मैं खुद नहीं जाना चाहती। तो बताओ क्या खाओगे? क्या खाओगे यार, कुछ सिंपल सा ही मंगवाना, मैं नहीं खाती ज्यादा, तुझे पता ही है इतना हल्का फुल्का खाती हूँ। हाँ मैंने कुछ मंगवाया है और वीडियो कर आज आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, तो अभी चाय पी लेते हैं। अभी कुछ खाना वाना मत बनाना मम्मी प्लीज, पापा को भी बोल दो। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि अचानक से विद्या बालन का जो है विशिंग मैसेज कहाँ से आया फॉर माय मॉम। सो बेसिकली गाइस ये वीडियो मिला है मुझे जोमैटो से। यस तो जब मैंने खाना फूड ऑर्डर किया तो वहाँ पे जो है ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिली फ्रॉम जोमैटो टीम। तो वहाँ पे 5 to 6 सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस थे, तो वहाँ पे जाके बस आपको अपनी मॉम का नेम लिखना है, तो उसी नेम से जो है सेलिब्रिटी का सेम वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो मुझे मिला है जोमैटो के एंड से एंड मैंने इसको सिंपली डाउनलोड कर लिया। तो फ्रेंड्स ऑर्डर आ गया है, तो भैया गली में आ गए हैं। मम्मी ये लो ये आपके लिए आ गया। हाँ तो ये डिनर ऑर्डर करा है और देख रहे हो कारीगरी से। थैंक यू। सो फाइनली फ्रेंड्स खाना आ चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ पैकिंग कैसी हुई है। बेसिकली खाना आ गया है और मम्मी मार्केट जा रही है, तो मम्मी आज रात को डिनर की छुट्टी। फाइनली गाइस खाना आ चुका है और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। वीडियो का रिएक्शन तो आपने देख ही लिया था और अभी इसमें मुझे कुछ नज़र आ रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है बेसिकली। सो मुझे ये कुछ नज़र आ रहा है जो कि मदर्स डे स्पेशल प्रोवाइड किया गया है मम्मीज़ के लिए, ये आप देख सकते हो। सो इस जार में कुछ पिन्नी टाइप लग रहा है एंड इस पर लिखा हुआ है माँ के हाथ की कारीगरी। OMG वाओ सो गुड। सो ये देखो गाइस यहाँ लिखा हुआ है माँ के हाथ की कारीगरी। आ गई है स्वागत वाली खीर, तो अभी डिनर थोड़ी सी देर बाद करेंगे हम, हाफ एन आवर बाद। तब तक इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो ठंडी ठंडी खीर खाने में मजा आएगा। है मेरे लिए मार्केट से तो भी लाई मदर डे पे। ओ गॉड
गाइस मेलोडी एन कौन सी है ये वाली पार्ले वाली ये तो ऐसे थिएटर को आंटी ने थैंक यू टेस्ट लगे तो देखना मैं मेरी तरफ से तो काफी आंटी को थैंक यू बोलना मेरी तरफ से मम्मी का गिफ्ट आया तो मम्मी को दे ही देते हैं मम्मी देखा आपने अपना गिफ्ट नहीं देखा आप दिखाओ चलो दिखा ये लो लाइए कुछ पिन्नी टाइप लग रहा है और देखो इस पे क्या लिखा हुआ है क्या लिखा आपके हाथ की कारीगरी वाओ यस अच्छा थैंक यू सो मच कारी रुको मैं स्पून लेकर आती हूँ टेस्ट करके बताओ आप ही बताओ कैसा था आप टेस्ट करके बताओ कैसा लगा कैसा है जेन्युइन फीडबैक दो कैसा टेस्ट है बहुत अच्छा है ये बिल्कुल पंजीरी जैसा है और पंजीरी का भी टेस्ट है दाल की पिन्नी बोल रहे हैं ये पिन्नी बोल लो कुछ भी बोल लो कोई पिन्नी बनाता है ये खुल्ले में बनाई हुई है हाँ लड्डू नहीं है इसके पूरा पाउडर है लड्डू नहीं बनाए ना लेकिन ठीक है ये ऐसे भी बनाते हैं घी की खुशबू भी आ रही है इसमें से ना खाने में टेस्ट भी वही ऐसे ही जैसे ऐसा लगा कारीगरी की तरफ से सरप्राइज मॉम टेस्टी लगा एकदम बढ़िया खिलाना एक चम्मच जरा हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटिफुल मदर्स ये कुछ यूनिक है इस बार ये यूनिक है तो गाइस कारीगरी वालों की तरफ से गिफ्ट मिल गया माँ के हाथ की कारीगरी ये लो आपके लिए ये मेरे लिए सबसे बढ़िया लगा मुझे कि ये जो टैग है ना इसका हेडलाइन ये बहुत अच्छी है तो ये है गाइस पनीर हाईवे बटर मसाला ये पंजीरी कॉम्प्लीमेंट्री आई है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है और ये मैंने कुलचे छोले पॉकेट और साथ में नान ऑर्डर करे हैं ठीक है और जो स्वागत वाली खीले मैंने फ्रिज में रख दिए मम्मी वो बाद में खाएंगे आराम से मेरे को सबसे अच्छा ये लगा हाँ जार बरनी टेस्टी तो है ना है ना बहुत प्यारी है जितनी टेस्टी है उतनी प्यारी मुझे ये लगा आज ये ट्राई करते थैंक यू कारीगरी फॉर दिस बहुत अच्छा लगा यार मुझे ये चीज बहुत बेस्ट लगी कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये बहुत अच्छा लगा और ये यूनिक है ये हर होम डिलीवरी और डाइनिंग जो भी जितने बिल कटे होंगे सब पे एक एक सबको दिया गया है यूनिक है आइडिया अच्छा लगा हाँ, और आज तक मैंने किसी रेस्टोरेंट वालों ने देखा ही हाँ ना? ये कॉम्प्लीमेंट्री साथ में मैं ट्राई करके बताओ इस डिश का नाम है कुलचे छोले पकोड़े पैकेट्स ऐसा तूने मुझे थोड़ा ध्यान से गरम है पहले भी खिलाया है कब खिलाया है इस वाले को उठा के एक साथ फ्लेवर लेना बहुत गरम है यार एक बार टेस्ट करके बताओ भाई बहुत गरम है जी ये खाया भी नहीं जा रहा जी कैसा है टेस्ट ठीक है यूनिक है अलग से अच्छी लगी हेलो फ्रेंड्स टेस्टी टेस्टी डिश खा लो मदर डे पे सही है लग रहा टेस्टी है यम 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 सो यमी तो गाइस ये है सुहागरात वाली खीर और इसको अब मम्मी टेस्ट करने वाली है सो मम्मी आप बताइए इसको टेस्ट करके कैसी लग रही है आपको ये खाने में टेस्ट में लग रही है यम्मी है यम्मी कैसी लगी एकदम बिल्कुल सुहागरात वाली इसका नाम रखा गया है सुहागरात वाली खीर मीठी मीठी तो गाइस मैं भी ट्राई करके देखती हूँ Yummy. So, mommy, कैसा रहा आज का डिनर अच्छी लगी सब्जी कैसे लगी आपको पनीर पनीर हाईवे बटर मसाला और स्वागत वाली खीर वो भी अच्छी है
टेस्ट अच्छा लगा टेस्ट वाइज? हाँ हाँ ठीक है। ओके सो हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। लेकिन सबसे अच्छा मुझे वही लगा था पिन्नी वाले। अच्छा पिन्नी मदर्स डे स्पेशल। हाँ मुझे सबसे यूनिक। हाँ उसका टेस्ट भी अच्छा था। टेस्ट भी और मेरे को यूनिक और बेस्ट गिफ्ट था ये सबके लिए। बहुत बेस्ट। ओके बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टेक केयर। बाय। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।